नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। आजकल अन्य राज्यों से यूपी वापस आ रहे श्रमिकों को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस में बसों को लेकर लेटरवार छिड़ा हुआ है, वहीं अभी भी श्रमिक बसों के अलावा डीसीएम और अन्य वाहनों से लगातार यूपी में आ रहे हैं। कल गाजीपुर में 5 श्रमिक स्पेशल ट्रेन विभिन्न राज्यों से जनपद पहुंची थी, बावजूद इसके आज भी डीसीएम और बसों से श्रमिक गाजीपुर पहुंचे। जनपद के रौजा तिराहे पर बीजेपी ने कैंप लगाकर बाहर से आ रहे इन श्रमिकों में मोदी लंच का वितरण किया। बीजेपी के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और पूर्व नगरपालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल ने बताया कि हमें हाईकमान से निर्देश प्राप्त हुआ है कि किसी भी जनपद से कोई श्रमिक भूखा आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए इस निर्देश का पालन करते हुए हम सभी बाहरी राज्यों और जनपदों से आ रहे श्रमिकों को भोजन करा रहे हैं ताकि उनकी आगे की यात्रा सुलभ हो सके। असी भाई लोग विभिन्न प्रदेशों से अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तमाम साधन उपलब्ध कराए हैं, ऐसे लोगों को कोई रास्ते में तकलीफ न हो, इस मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशन में भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर नगर इकाई की तरफ से रौजा तिमहानी पर एक मोदी लंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो लगातार प्रवासी मजदूर के आने तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तही, जो हम लोग के पूर्वांचल की भाषा तही बोली जाती है, जिसको खिचड़ी बोला जाता है, स्वादिष्ट व्यंजन से बनाकर हम लोग उनको खिला रहे हैं। काफी उन लोग को संतुष्टि मिल रही है और वो लोग अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का ये निर्देश था कि अपने कार्यकर्ता जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, कई दिनों से भूखे प्यासे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब आदि प्रांतों से, उनको मोदी टिफिन उपलब्ध कराया जाए, तो इसी क्रम में हम रोजा तिराहे पे खड़े हैं। आप देख भी रहे हैं कि तमाम प्रांतों से और अन्य प्रांतों के लिए बलिया, देवरिया, गोरखपुर या बिहार बक्सर की तरफ के लोग यहां से जा रहे हैं। दोनों तरफ उनको सबको यहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इनको कब तक कराई जाएगी, ये जब तक प्रवासी आएंगे, ऐसे हमारे पार्टी की तरफ से 5 जगहों पे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे सिंहना बॉर्डर पर चल रहा है, उधर खानपुर की तरफ चल रहा है, वो जो गंगा ब्रिज है आपका जमानिया में, वहाँ वरुण के पास वहाँ चल रहा है और एक यहाँ। तो हम लोग सोचे हैं कि मुख्य 3 पॉइंटों पे लगातार जब तक प्रवासी कार्यकर्ता आते रहेंगे मजदूर, उनको ये सुविधा उत्पन्न कराई जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ। अध्यक्ष जी, अब तक जो है जब से ये लंच कार्यक्रम चल रहा है, कितने लोग जो है इसका लंच का लाभ ले चुके हैं और कितने लोग जब से बैठे हैं, हमको लग रहा है कि 200 बस से लोग विभिन्न स्थानों के आए हैं और वो अपना यहाँ भोजन प्राप्त किए। वही मजदूरों ने बताया कि हम लोग प्राइवेट बस व ट्रक से आए हैं और हम लोगों का मेडिकल जांच के लिए हम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जमानिया भी गए। साथ ही एक अन्य मजदूर ने बताया कि हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं, वहाँ की सरकार हम लोगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं किया, जिसके चलते भुखमरी की नौबत आ गई, इसलिए मरने से बढ़िया था अपने वतन। आए हम लोग जिला रत्नागिरी महाराष्ट्र से प्राइवेट बस करके, ट्रक करके उधर से। ट्रक में कितनी संख्या में आए सब लोग? पांच लोग टोटल थे और 3 हजार रुपया वो लोग दिए हम लोग उसको। रास्ते भर में क्या समस्याएं आई थी हम लोग को? रास्ते में सिर्फ थोड़ा सा उधर ही समस्या आया चढ़ने में, उसके बाद चढ़ने के बाद कोई समस्या नहीं मिली। खाना पीना रास्ते में मिलता गया, सिर्फ अपने इधर उतरने के बाद सुबह से हम लोग खाया नहीं था कुछ। इधर आए तो जमानिया जांच के लिए भेजा गया, उसके बाद यहाँ आए हम लोग रिटर्न। भोजन यहाँ पे मिला है गाजीपुर में हम लोग का जो रोजे। आखिर महाराष्ट्र से आप लोग गाजीपुर में आए हैं, तो आखिर महाराष्ट्र से वापस गाजीपुर आने की क्या जरूरत पड़ी, आखिर वहाँ क्या दिक्कत आ गई थी? वहाँ दिक्कत ये थी कि हम लोग को वहाँ पे काम भी कुछ नहीं था और काफी दो महीने से, 1.5 महीने से बैठे थे हम लोग और पैसे भी नहीं था खाने के लिए, और शुरू में तो कुछ मिला खाने के लिए, लास्ट में 15-20 दिन से कुछ नहीं मिल रहा था। क्या वहाँ से पेट जिला रहे थे? क्या वहाँ की सरकार कुछ कर रही थी? कुछ नहीं, लास्ट में कुछ नहीं कर रही थी। कुल मिला के आप लोग जो है एक बस चले, वो सभी लोग गाजीपुर के कहीं बाहर से? गाजीपुर जो हम लोग आए थे उसमें सब लोग गाजीपुर के थे, गाँव अलग अलग करके, कोई ये थाने से, कोई कर्मीपुर थाना से, कोई ऐसे करके कसौला थाने से, गाजीपुर के प्रॉपर थे। इसमें 2-4 लोग थे जो बलिया के थे, ऐसे करके।